छतरपुर के वक्सवाहा में एक युवक को सीएम ऑनलाइन में शिकायत करना महंगा पड़ गया। सीएम ऑनलाइन में शिकायत करने पर नगर परिषद सीएमओ लखन पाठक ने तुगलकी फरमान जारी कर दिया और शिकायतकर्ता को शिकायत वापस लेने के साथ ही थाने में एफआईआर कराने की धमकी दी। शिकायतकर्ता दौलत विजय माली को अतिक्रमण की शिकायत सीएम ऑनलाइन से 24 घंटे के अंदर वापस लेने का दबाव बनाया गया। इसके साथ ही ऐसा ना करने पर उनके खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज करवाने की नोटिस जारी कर दिया गया। जब सीएमओ ने इस पत्र पर हंगामा मचा तो सीएमओ दिन भर नगर परिषद कार्यालय नहीं आए। वहीं शिकायतकर्ता का कहना है कि कुछ असामाजिक लोगों की शिकायत उन्होंने पहले सीएमओ से की थी, लेकिन जब उन्होंने कार्रवाई नहीं की तो उन्होंने इसकी शिकायत सीएम ऑनलाइन में कर दी। शिकायतकर्ता को धमकी भरे पत्र को लेकर एसडीएम ने गंभीरता से लिया और उन्होंने इस नोटिस को गलत बताते हुए इससे सीएमओ की गलती माना, जिसके बाद सीएमओ लखन पाठक ने संशोधित पत्र जारी कर उनकी अपनी भूल को स्वीकार कर लिया। आपके द्वारा जो मुझे जानकारी प्रदान की गई है कि सीएमओ के द्वारा एक धमकी भरा पत्र शिकायतकर्ता को भेजा गया है, इस संबंध में अभी जो पत्र है वो मैंने मंगवाया है कॉपी, उसकी उसका मैं अवलोकन करता हूँ। यदि शिकायत सत्य पाई जाती है तो ऐसी परिस्थिति में सीएमओ के विरुद्ध कारण बताओ सूचना पत्र जारी करके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। हम लाएंगे, हमने जो भगवंत आसमानी द्वारा बीच रास्ते में पिलर और दरवाज़ा रखा गया है तो उसके लिए हम लोगों ने आवेदन किया था नगर पालिका में, श्रीमान जी हमें रास्ता खुली दी जाए, लेकिन उस आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए मैंने हेल्पलाइन शिकायत की, सीएफ हेल्पलाइन शिकायत की। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।